पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम सोमवार को खिजरी विधायक राजेश कच्छप के नाम कुमके राजा उलिहातु स्थित आवास पहुंचकर छापेमारी कर रही है। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा के पांचला से 30 जुलाई को 39.37 लाख रुपए के साथ झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों राजेश कच्छप, नमन विक्सल कुंगाड़ी व इरफान अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर सीआईडी की टीम राजेश कच्छप के घर पहुंची है। जानकारी के अनुसार पुलिस कई कागजात को खंगाल रही है। मालूम हो कि जामताड़ा स्थित विधायक इरफान अंसारी के घर पर भी बंगाल सीआईडी की टीम ने छापेमारी की है। झारखंड के तीनों कांग्रेसी विधायकों के पास से कैश बरामद होने के मामले में बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम असम के गुवाहाटी के अशोक कुमार थानुका को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया है। सोमवार को सुबह 10 बजे भवानी भवन में पेश होने को कहा था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गुवाहाटी में सीआईडी की टीम इस नोटिस को तामील कराने उनके घर गई तो पहले से ही वहां असम पुलिस का पहरा था। पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम बीते दिनों झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों की गिरफ्तारी के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत जुटाने के लिए असम गई थी। बंगाल सीआईडी टीम ने गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल हवाई अड्डा और एक होटल से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।